हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिंदी सैम्पल पेपर फॉर यूकेजी क्लास। इससे पहले हमने जीके के लिए सैम्पल पेपर डिस्कस किया है एंड इंग्लिश के लिए सैम्पल पेपर डिस्कस किया है इसी चैनल पे, तो आप वो वीडियो विजिट करके और उनके उसके बारे में भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारे बच्चों के अभी एग्जाम होने वाले हैं फैब या मार्च में, यूकेजी क्लास के एग्जाम होंगे, तो उनकी प्रैक्टिस आप घर पे ही करवा सकते हैं इन सैम्पल पेपर के थ्रू। तो इनमें जो इनमें मैंने वही क्वेश्चन डाले हैं जो उनसे उनके जो अब एग्जाम होंगे ईयरली उनमें पूछे जाते हैं, मैंने उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें डाले हैं। तो इससे उनकी घर पे ही प्रैक्टिस हो जाएगी और बच्चों का जो एग्जाम फियर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अभी हम अपना सैंपल पेपर स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो चित्र देखकर शब्द पूरे करने हैं बच्चों को। तो जैसे ही बच्चा देखेगा ये किसकी इमेज है, ये बादल की इमेज है, तो यहाँ पे लिखेगा कि बादल। इसी टाइप से नेक्स्ट इमेज है सूरज, तो यहाँ पे बच्चा लिखेगा सूरज। इससे नेक्स्ट इमेज है फुटबॉल, तो यहाँ पे बच्चा लिखेगा फुटबॉल। मैंने उसी टाइप की इमेजेस यूज किए हैं जो बच्चों को मोस्टली कराई जाती है यूकेजी क्लास में। यह है नैन, उससे नेक्स्ट है टोपी, उससे नेक्स्ट है गमला। इस टाइप से आप बच्चों को ये चित्र देखकर शब्द की ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द चुनकर लिखो। तो मैंने इस टाइप से ऑप्शन में डाले हैं विलोम शब्द और नीचे क्वेश्चन डाला है कि जैसे बड़ा का विलोम शब्द लिखना है, तो बड़ा का विलोम शब्द क्या होता है, छोटा। तो हम यहां से बच्चा दिखेगा छोटा, तो इधर छोटा लिखेंगे। इसी टाइप से हम नेक्स्ट वाले ट्राई करेंगे, जैसे कि पतला, पतला का होगा मोटा। इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट शब्द है गरम, गरम का होगा ठंडा। इसी तरह नेक्स्ट शब्द है दिन, दिन का होगा रात। काला, काला का होगा सफेद। और उससे नेक्स्ट है ऊपर, ऊपर का होगा नीचे। तो इस टाइप से आप बच्चों की विलोम शब्द की प्रैक्टिस अच्छे से करा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्दों से मिलान करो। जैसे मोजा, मोजे, मोजा का क्या होगा मोजे। कलम, कलमे। कार, कारे। घड़ा, घड़े। पेंसिल, पेंसिलें। चूहा, चूहे। तो इस टाइप से बच्चों की एकवचन बहुवचन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है बच्चों को यूकेजी क्लास में सभी मात्राओं के शब्द कराए जाते हैं। तो इस टाइप से आप कोई भी मात्रा का शब्द ले ले, जैसे बोल दे आ की मात्रा के शब्द लिखिए या ऊ की मात्रा के शब्द लिखिए। मैंने इसमें ऊ लिया है, आप ई ले सकते हैं, बड़ी ई ले सकते हैं, ए की मात्रा के शब्द लिखिए, तो बच्चा वो सब करता है। नेक्स्ट बच्चों को मात्राएं सिखाई जाती है यूकेजी क्लास में, तो हम उनको इस टाइप से क्वेश्चन दे सकते हैं कि सही मात्रा का मिलान करो। जैसे कि यहाँ पे आ है तो आ को आ की मात्रा से मिलाओ, छोटा ई है तो ई को ई की मात्रा से मिलाओ, बड़ा ई है बड़े ई को बड़ी ई की मात्रा से मिलाओ, ऊ को ऊ की मात्रा से, बड़ा ऊ है बड़े ऊ की मात्रा से, ए को ए की मात्रा से मिलाओ, ओ को ओ की मात्रा से मिलाओ। इस टाइप से बच्चा मिलान करेगा और उनको मात्रा की का रिवीजन हो जाएगा कि किसकी कौन सी मात्रा है। ओके, नेक्स्ट शब्द है जोड़कर शब्द बनाओ। ये क्वेश्चन भी आता है यूकेजी क्लास के हिंदी के पेपर में। तो इस टाइप से है इन मात्राओं को जोड़ के बच्चे शब्द लिखना सीखते हैं। जैसे इसको जोड़ के लिखेंगे तो दिल, से छोटी की मात्रा, रे ते और आ का डंडा, तो क्या बनेगा सरिता। तो बच्चे इस टाइप से जोड़ के इनको शब्द बनाएंगे। जैसे कि ये बनेगा मालिक, ये बनेगा मुकेश, नेक्स्ट बनेगा मेहमान। तो बच्चा इस टाइप से जोड़ जोड़ के शब्द बना के लिखेंगे। आप उनकी इसे घर पे ही प्रैक्टिस करा सकते हैं और उनको मात्रा का अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। नेक्स्ट है मात्रा अलग करके लिखो। इससे पहले था मात्राएं जोड़कर लिखो, अब है मात्रा अलग करनी है। तो इसमें बच्चे को पता चलेगा कि ये पे के ऊपर जो मात्रा है छोटी ई की है कि बड़ी ई की है। तो बच्चा इस टाइप से लिखेगा इसको, पे फिर बड़ी की मात्रा, फिर ते और फिर ले। इस तरह से इनको इनमें सब में मात्रा अलग करनी है। जैसे ये चील लिखा है तो चे फिर बड़ी की मात्रा और फिर ले।
इसी टाइप से इसमें मात्राएं अलग करेंगे, महादेव, मैं, है, फिर आ की मात्रा, फिर दे, फिर ए की मात्रा और फिर वे। महादेव, पाठशाला, पे, आ की मात्रा, ठे, शे, आ की मात्रा, ले और आ की मात्रा। इसी टाइप से ये सारे शब्द अलग करके लिखने हैं। ने, ए की मात्रा, ने, नैन। दीपावली, दे, बड़ी की मात्रा, पे, आ की मात्रा, वे, ले और बड़ी की मात्रा, दीपावली। इसी टाइप से फुलवारी, फे, ऊ की मात्रा, ले, वे, आ, रे, बड़ी की मात्रा, फुलवारी। तो इससे बच्चों की मात्राओं की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। शब्द अलग करके लिखो और शब्द जोड़ के लिखो, इससे उनकी मात्रा की प्रैक्टिस होगी। तो इस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच फलों के नाम लिखो। यूकेजी क्लास में बच्चों को फलों के नाम, सब्जियों के नाम, फूलों के नाम, ऋतुओं के नाम, ये सब कराए जाते हैं। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। जैसे मैंने पांच फलों के नाम बोला है, आप पांच फूलों के नाम लिख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि पांच सब्जियों के नाम लिखो। तो इस टाइप से बच्चा की वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग बदल कर लिखो। तो बच्चों को ये यूकेजी क्लास में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में भी बताया जाता है। तो जैसे ये लड़का है, इसका होगा लड़की। इस टाइप के क्वेश्चन डाल के आप उनकी उसकी भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे ये है दादा, तो इसका होगा दादी। मामा, मामी। पिता, माता। भाई, बहन। शेर, शेरनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र देखकर सही शब्द चुने। जैसे कि ये नाक की इमेज है, तो इसमें बच्चा देखेगा ये नाक है, ये नोका है, तो नाक को सर्कल करेंगे। इसी टाइप से ये इमेज है इमली, तो ये इमिल लिखा हुआ है, ये गलत है, ये इमली सही है। इससे नेक्स्ट है आम, आम और सेब, तो ये आम है तो बच्चा आम को सर्कल करेगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है छतरी, तो छतरी ये छोटी की माता लिखी, ये रोंग है, ये वाला करेक्ट है, तो इसको सर्कल करेंगे। इसी टाइप से पतंग, और ये पंगत, तो पतंग होती है हमारी, तो पतंग को सर्कल करेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट इमेज है गमला, और यहाँ पे लिखा है गल्लम, यहाँ पे है गमला, तो गमला को सर्कल करेंगे। मैंने इस क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन डालने की ट्राई की है जो कि हमारे बच्चों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे अगर आपको हेल्प मिले तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हम सारे एग्जाम्स के सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो, आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू।